अलीगढ़ से खबर है। अलीगढ़ टप्पल थाना क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद है। दबंगों ने घर में घुसकर युवती को पकड़कर छेड़छाड़ तथा गाली गलौज की। युवती द्वारा शोर मचाने पर बचाने के लिए पहुंचा युवक को दबंगों ने लाठी सरिया डंडों से बेरहमी से पीटा और युवक को अधमरा करके छोड़कर भागे, जिसकी सूचना अलीगढ़ की थाना टप्पल पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत में युवक को गौतम बुद्ध नगर स्थित जेवर कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए युवक को वेंटिलेटर पर रखा, लेकिन हालत गंभीर ज्यादा होने के कारण डॉक्टरों ने दिल्ली रेफर कर दिया है। सर नाम क्या आपका? सुनीशन सर, मेरा नाम नीरो। सर कहाँ के रहने वाले? सियारों गांव को रहने वाला हूँ, जिला अलीगढ़ का। मेरे पड़ोस में दो लड़के हैं, सौरभ और शिवम। पिताजी का नाम अनिल है। बार बार बीच बीच में भी मुझसे बदतमीजी, गाली गलौज, बच्चे से पीछे बहुत के बाइक बार करी है। समझाता हूँ, मानते नहीं हैं। बदमाश टाइप के हैं, हथियार भी रखते हैं और वैसे भी गांजे वाजे धंधे करेंगे। आज मेरी बेटी के संग मारपीट करी है। ये जो लड़का के चोट लगी है, ये मेरी बेटी की शादी है। मैं शादी के पैसे देने गए हो तो बदतमीज दिन हम बोले हैं कि घर में पकड़ो लड़का, घर में गए हो, घर में घुसे हो, इस तरीक़ा से फिर मारपीट करी है। मेरी लड़की से मारपीट करी है, वो लड़का सीरियस है, हॉस्पिटल में, कैलाश हॉस्पिटल जीवन में। कैसी कंडीशन है? सीरियस है जी, वेंटिलेटर का। अब कहाँ पर लेके जा रहे हैं? अब जेपी हॉस्पिटल नोएडा लेके जाइए। तो आपने तहरीर दिए थाने में? हाँ, तहरीर दिए थाने टप्पल थाना। तो पहली क्या रंजिश चल रही थी? पहली वो खुद ही रंजिश कोई मानते होंगे, मेरी तरफ से कोई रंजिश नहीं सर। तो क्या टाइप के लोग हैं? आपकी लड़की की शादी कब की है? दिसंबर में मेरी लड़की शादी। ये भी ध्वंस दे दे के लड़की की शादी कैसे कराए हमसे। तो कौन लोग हैं वो? वो दबंग लोग हैं सर, चौधरी लोग हैं, जाट लोग हैं। मैं पंडित हूँ, गरीब आदमी हूँ, सात लड़की हैं और बीच बीच में भी बदतमीजी और गाली गुप्ता करते रहे हमसे। माँ बाप की तरफ से उन पर कोई रोक टोक या दबाव नहीं है। मैं क्षेत्राधिकारी खैर अवगत कराना है कि आज दिनांक 13/7/2024 को थाना टप्पल क्षेत्र के ग्राम शारोल से मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना में तत्काल मौके पहुंचकर पुलिस द्वारा जानकारी की गई तो यह घटना प्रकाश में आई कि गांव के ही व्यक्ति को गांव के कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा बुरी तरह से किसी विवाद को लेकर के मारपीट की गई है तथा घायल व्यक्ति को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना संबंधित व्यक्तियों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है तथा घायल व्यक्ति के परिजनों से तहरीर प्राप्त करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट।